हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूपीपीएससी आर ओ आर ओ के एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं और सिलेबस आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इससे पहले हमने जनरल साइंस और हिस्ट्री का सिलेबस डिकोड करके आपको दे चुके हैं। ये सिलेबस के क्रम में तीसरी वीडियो है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी का सिलेबस, कम्प्लीटली डिकोड किया हुआ है हमने और उसमें पॉइंट टू पॉइंट आपको देंगे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम अपने पॉलिटी के सिलेबस पर डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा पॉलिटी का सिलेबस। तो चलिए, अपने सिलेबस पे हमने पूरा पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लिया है। इस पे हम लोग एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं और हमें क्यों पढ़ना चाहिए ये सारे पॉइंट। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने मेन हेडिंग पे, जो कि है भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था। इतने में ही या आपके पूरे पॉइंट आ जाते हैं। ये सारे पॉइंट को अगर हम कहें तो एक लाइन में कहेंगे कि भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था। तो इसमें जो राज व्यवस्था वाला चैप्टर है, इसमें आपको संसद के द्वारा समय समय पर बनाए गए कानून, जो कि आपने देखा होगा कि जब भी जरूरत पड़ती है संसद में अध्यादेश लाके कानून बनाया जाता है, तो उस कानून के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद न्यायपालिका के द्वारा दिए गए निर्णय, गैर संवैधानिक प्रावधान बहुत सारे बनाए जाते हैं संवैधानिक, और उसके बाद असंवैधानिक जो कि संविधान विरोधी कार्य करती हैं बहुत सारी संस्थाएं, जिसपे सरकार जांच पड़ताल करके बहुत सारी संस्थाओं को बंद भी करवाती है जो उसे सही नहीं लगता है उसको। तो उसके बाद हम आ जाते हैं अपने पहले पॉइंट पे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपने देखा होगा किसी भी साल आर ओ आर ओ का पेपर हो या फिर पीसीएस प्री का पेपर हो, उसमें आपके अनुच्छेद से क्वेश्चन होते ही होते हैं। उसके बाद हमें पूरे जितने भी 22 भाग हैं पूरे भाग पढ़ने हैं। उसके बाद हमें अनुसूचियां, संविधान संशोधन, ये एक लाइन है लेकिन इसमें बहुत कुछ आ जाता है और यहां से हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद विदेशी स्रोत, हमारे जो संविधान बनाए गए हैं, जो हमारा संविधान बनाया गया है उसमें बहुत सारे ऐसे भाग हैं जिनकी जो अलग अलग देशों के संविधान से लिए गए हैं। तो जैसे आपका मूल अधिकार हो गया, नीति निदेशक तत्व हो गया, ये पूछ लेता है कि किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं उद्देशिका के शब्द वाक्य। तो जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा वाक्य है जो उद्देशिका में उल्लिखित नहीं है, या फिर पूछ लिया जाता है कि कौन सा संशोधन हुआ है, किस संशोधन के तहत किस चीज को बदला गया है, कौन सा शब्द जोड़ा गया है, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। इसके बाद हमने ये देखा, आपने कुछ एरो लगा के हमने पॉइंट नोट किए हैं और ये आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जितने में हमने एरो लगाया है इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये मान के पढ़ना है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो आपका सबसे पहला पॉइंट इसमें है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। उसके बाद हम आ जाते हैं नागरिकता, मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायवादी, निर्वाचन आयुक्त, कैग। इसके बाद प्रधानमंत्री, इसके बाद राज्यपाल, महाधिवक्ता, वरीयता क्रम। आपने देखा होगा जो 2016 का पेपर हुआ है, आप पेपर उठा के देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। उसमें आपसे वरीयता क्रम पूछ लिया था, कई बार पद का नाम देके वरीयता क्रम पूछ लेता है। उसके बाद मंत्री परिषद आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद यहाँ से आपका करंट भी अपडेट होता है मंत्री परिषद से, तो इस पे थोड़ा सा अच्छे से फोकस करके पढ़िएगा ताकि यहाँ का करंट का जो भी पॉइंट है वो अपडेटेड रहे आप, क्योंकि वहां से ज्यादातर इसमें क्वेश्चन बनने देखने को मिलते हैं। उसके बाद केंद्र राज्य संबंध, यहाँ अनुच्छेद से रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुच्छेद के तहत उल्लिखित है, तो ये आपसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद संसद आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि संसद आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, संसद से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, मनोनीत सदस्य, उसके बाद न्यायालय। अब इसके बाद आपातकाल, यहां से क्वेश्चन कम बनते हैं, ज्यादातर अनुच्छेद से रिलेट करके क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यहां से भी बनते हैं क्वेश्चन। आपातकाल से 2 से 3 साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमने जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा उसमें आपातकाल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हमने इस पॉइंट को एरो वाले पॉइंट में रख दिया है। उसके बाद वित्त आयोग आपका हो गया, वित्त आयोग में भी अनुच्छेद से रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद आपका नीति आयोग हो गया, नीति आयोग का या गैर संवैधानिक संस्था है ये पूछता है। इसके बाद आपका राजभाषा हो गया, उसके बाद पंचायती राज हो गया, उसके बाद सहकारी संघ हो गया,
उसके बाद एससी एसटी ओबीसी आयोग है, उसके बाद ये यूपीएससी से भी एक क्वेश्चन बनता है कि यूपीएससी किस अनुच्छेद के तहत उल्लिखित है, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, ये कैसी संस्था है, संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है, तो ये सारी चीजें पूछता है। तो थोड़ा सा आपको अपना इनमें से किसी भी पॉइंट को आप पढ़िएगा तो बहुत बारीकी से पढ़िएगा, और साथ ही साथ अगर आप क्वेश्चन पेपर के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन पेपर हुए हैं तो आपको एक वे मिलेगा पढ़ने का, आपको समझ में आएगा कि कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं तो हमें किस तरीके से पढ़ने हैं। इस कंप्लीट पॉलिटी का डिकोडेड सिलेबस उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आपके एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बाद भी कुछ भी डाउट रहता है इस सिलेबस से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। पीडीएफ आपको जो हम देंगे वो हैंड रिटन ऐसे जो हमने लिखा है अपने हाथों से इसी का फोटो क्लिक करके इसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको देंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है फ्रेंड्स। मैं भी एस्पिरेंट हूँ तो मुझे भी पढ़ाई करनी है, मुझे भी अपना टाइम मैनेज करना होता है, तो मैं अगर पूरे सिलेबस को टाइप करने लगूं या जो भी मैटर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी अगर उसको मैं टाइप करने लगूं और उसके बाद उसका पीडीएफ मैं आपको शेयर करूं तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं बचेगा। तो मैं अपना जो भी हैंड रिटन नोट्स है कुछ पॉइंट्स मैं आपको दे पाऊंगी, क्योंकि पूरा का पूरा नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करना और आपके साथ शेयर करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, और हमें भी अपना टाइम बार बार मैं बोल रही हूँ कि देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी पढ़ाई करनी है। तो हम आपको जो इम्पोर्टेंट चीज लगेगी वो आपको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रोवाइड करा देंगे। तो इसका आपको जो सिलेबस हमारा पिछला है वो हमने टेलीग्राम पे डाल रखा है साइंस वाला, के बाद हिस्ट्री और पॉलिटी का सिलेबस हम पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, और टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आएगी तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आप सबको कैसी लगती है और हमारी मेहनत से आप लोगों को कुछ बेनिफिट होता है या नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ नेक्स्ट वीडियो जो हम करने वाले हैं वो होगा हमारा स्टडी चैलेंज का, क्योंकि कुछ अपनी बैड हैबिट्स है जिसपे हमें काम करना है, और मुझे लगता है कि जितने भी एस्पिरेंट हैं सबको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे वीक पॉइंट क्या है और हमारी स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को बहुत अच्छे से नहीं जानेंगे तब तक ये प्रिपरेशन बहुत ही आपसे डेडिकेशन मांगती है और आप वो डेडिकेशन नहीं दिखा पाएंगे। तो अपने वीक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, तो उसके लिए हम कर रहे हैं 21 डेज का स्टडी चैलेंज। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चलिए हम दोनों लोग साथ में मिलकर स्टडी चैलेंज करते हैं। तो क्या होगा स्टडी चैलेंज, हमने किस तरीके से प्लान किया है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना फ्रेंड।